नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं ललित कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल कारपेंटर ललित पर। दोस्तों जब भी हम सोफा बनाते हैं तो सबसे पहले हमको सोफे का एल बनाना होता है। अब यहां पर ज्यादातर लोगों को पता है कि एल कैसे बनाते हैं, बट बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जिनको एल बनाने नहीं आता है, यानी कि एल का जो मेजरमेंट होता है वो नहीं आता है कि किस तरीके से लिया जाता है ताकि सोफे की जितनी हाइट चाहिए उतनी ही मिले, जितनी उसकी डेप्थ चाहिए उतनी ही मिले, टोटल डेप्थ कितनी चाहिए, वो सीटिंग डेप्थ कितनी चाहिए, वो पाया कितना आएगा, कितना हमको छोड़ना है, वो सारी बातें ज्यादातर लोगों को पता होती है बट बहुत कम लोगों को पता नहीं होती है। और ये वीडियो उन बहुत कम लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे कोई कमेंट करेगी तो हमको क्या सिखाएगा। तो दोस्तों प्लीज ऐसा कमेंट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सब आपके जितने होशियार नहीं होते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में सोफे की डेप्थ, हाइट, सीटिंग कितनी चाहिए वगैरह वगैरह सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, गद्दी कितनी आएगी, पाए कितने आएंगे, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सोफे का एल हम रेडी करेंगे। ये सब मैं आपको कागज पर ड्राइंग करके अच्छे से समझाऊंगा, जो कि आप समझ पाओगे। और जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप सोफा बनाओगे तो आपको आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सोफे का एल होता है वो किस तरीके से रेडी किया जाता है, किस तरीके से उसका मेजरमेंट निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको एक कच्चा चित्र बना लेना है, जैसे कि आप स्कूल में बनाते थे कच्चा चित्र पक्का चित्र, उस टाइप का एक आपको सोफे का कच्चा चित्र बना देना है कि सोफे की हाइट वगैरह क्या रहने वाली है। मान लीजिए कि आपका जो सोफा है वो साइड से इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इस टाइप का आपका जो सोफा है वो दिखाई देता है। तो आपको कच्चा चित्र सबसे पहले बनाना है, तभी आप जो ये एक्यूरेट आप बना पाओगे, ठीक है। तो मैं ये कच्चा चित्र बना रहा हूँ, तो अब इसकी जो हाइट है नीचे ये सोफे के जो लेग है वो भी आपको ड्रॉ कर देने हैं। अब ये जो है ना ये गद्दी के साथ है, ठीक है, ये गद्दी के साथ है। तो आपको टोटल जो हाइट है वो कितनी है वो वहाँ पर लिखनी है। अब मैक्सिमम जो रेगुलर हाइट होती है जो मैं नॉर्मली रखता हूँ वो 16 इंच की होती है, तो इस तरीके को आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से कहता हूँ कि ये न्यू कारपेंटर के लिए है, पुराने कारपेंटर के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो पुराने कारपेंटर की वो जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। उसके बाद आपको ये पाए के साथ, क्योंकि पाए को भी आपको गिनना है ताकि आपको बार बार जब आप सोफा बनाओगे तो आपके दिमाग में ये पाए माइनस करने होते हैं, ये पूरा को पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। इसके लिए मैं पूरा आपको अच्छे से ड्राइंग करके बता रहा हूँ। अब इसकी हाइट क्या रहने वाली है ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसकी हाइट जो नॉर्मल होती है 30 इंच, वो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ, 30 इंच इसकी हाइट है। अब ये इस तरीके से सोफा है, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद जो सोफा आउटर पूरा कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी आपको लिखना है, तो वो भी होता है ये 30 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले क्या किया कि ड्राइंग बना दी। अब हमको क्या ध्यान में रखना है, अब मैं आपको इसका जो एल बनेगा वो किस टाइप किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम बनाने वाले हैं सोफे का जो एल होता है उसकी फाइनल ड्राइंग। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये 30 इंच हमारी हम सोफे की हाइट रखने वाले हैं और यहाँ पर 3 इंच सोफे के लेग हैं। तो हमको क्या करना है कि ये 30 इंच इसमें से माइनस कर देना है, सॉरी 30 इंच में से 3 इंच माइनस कर देने हैं, तो बचा कितना 27 बचा। और यहाँ पर पौने की प्लाई आएगी, ये जब आप सोफा बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, जो पौने की जो पट्टी होती है वो ऊपर ऊपर ये जो हम मारेंगे वो यहाँ पर आएगी, तो आपको ये इसी में माइनस कर देना है। तो ये बन गया आपका 26.25। तो अब इसकी जो हाइट है वो हमको मिल गई है 26.25। तो हम यहाँ पर प्लाई पर हम ये सब मार्क करेंगे, जो प्लाई का कोना पड़ता है इस तरीके से। तो चलिए मैं इधर से ही आपको बताता हूँ। तो ये प्लाई के इस धार से यहाँ तक हमने 26.25 पर इस तरीके से एक निशान किया, और ये आपको राइट एंगल में बड़ा कर सकते हो। तो ये हमको 26.25 मिल गया। उसके बाद अब इसकी डेप्थ जो है वो हमने कितनी रखी, 30 इंच। तो हमको क्या करना है कि जो आगे इस तरीके से एक जितना भी ये आएगा उतना पट्टा आएगा इस तरीके से, तो हमको आगे से भी 0.25 माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमको ये भी 30 में से 0.25 गया तो 25.29, तो यहाँ से 25.29 पर हमने एक और निशान किया। अब ये 26.25 है और ये 25.29 है, ठीक है, ऐसा हमने निशान किया। अब हमको इसकी जो हाइट है वो कितनी रहेगी ये हमको पता लगाना है। तो यहाँ पर टोटल हाइट हमने 16 इंच रखी, जो सोफे की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो हमने 16 इंच रखी है। तो हम 16 इंच में से सबसे पहले माइनस करेंगे 3 इंच, तो 16 में से 3 जाता है तो बचता है 13 इंच, तो ये बच गया अब 13 इंच।
13 इंच में से अब हमको गद्दी माइनस करनी है। अब यहीं पर ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अब गद्दी कितनी माइनस करते हैं, तो गद्दी में क्या होता है कि 4 इंच का जो नॉर्मल होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 4 इंच का नीचे पीयू फॉर्म आता है और उसके बाद ऊपर 1 इंच का सॉफ्ट फॉर्म आता है, तो हमको टोटल 5 इंच हमको माइनस कर देना है। तो हम 13 में से अगर 5 इंच माइनस करते हैं तो हमको बचता है 8 इंच, ठीक है, ये हमारे पास बच गया अब 8 इंच, ठीक है। अब 8 इंच के बाद यहाँ पर 12 mm की प्लाई भी लगने वाली है, इसका जो टॉप होगा उसके ऊपर 12 mm की प्लाई भी लगने वाली है, तो हमारे पास बच गया 7.5 इंच। तो यहाँ से 7.5 इंच पर हमको इसकी जो हाइट है वो 7.5 इंच रहने वाली है। हम फिलहाल में इधर से भी 7.5 इंच ले लेते हैं, मैं आपको आगे समझाता हूँ कि मैंने दोनों साइड से 7.5 क्यों लिया है, क्योंकि ये इस साइड से लोग थोड़ा ढलान भी देते हैं, तो मैं ज़्यादातर इसको ढलान में नहीं देता हूँ। अगर आप चाहो तो आगे से 7.5 और पीछे से थोड़ा कम ले सकते हो, 1 इंच आधे इंच का पीछे की साइड थोड़ा ढलान दे सकते हो, बट अब जरूरत नहीं है क्योंकि गद्दी में वो सोफे वाले ढलान दे देते हैं। तो हमको इस तरीके से ये मिल गया, इसका जो इसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए ये हमको मिल गया, ये हमारा है 1.25 और इसकी ये हाइट है वो है 1.25 और इसकी हाइट हमको मिल गई 7.5 इंच। अब ये मैं अगर सोफे की 16 इंच की हाइट होती है उसके हिसाब से मेजरमेंट कर रहा हूँ, अगर आपकी 15 इंच की सोफे की हाइट रखनी है तो ये 6.5 इंच का आएगा। तो इस तरीके से आपको ये मेजर करना है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखें। और सबसे पहले अगर आपको नहीं फाता है तो इस जैसे मैं बुक में या फिर कागज पर ड्राइंग बना रहा हूँ इस तरीके से आपको भी ड्राइंग बना देनी है। अब हमको क्या करना है कि इधर से आपको 1.5 इंच जैसा छोड़ देना है, अगर आप राउंड वगैरह कुछ करना चाहते हो तो वो सोफे में भी हो जाएगा, आपको 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच, 1.25 इंच में कहता हूँ थोड़ा कम हो जाता है, तो आप 1.5 इंच यहाँ से छोड़ सकते हो, 1.5 से चलो ठीक है, 1.25 इंच सॉरी 1 इंच 3 डोरा भी छोड़ सकते हो, आप जो भी आपको उचित लगे वो छोड़ सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें इतना डिफरेंट है नहीं। ये यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से अब कितना छोड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको 6 इंच छोड़ना है। अब ये 6 इंच क्यों छोड़ रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं ये ड्रॉइंग कर देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ में मैं आपको थोड़ा और भी बताता जाऊँगा। ये हमने यहाँ पर 4 इंच इसकी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब ये यहाँ पे हमारा 6 इंच है टोटल, अब यहां से हमको टोटल इसको स्लोप दे देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने स्लोप दे दिया। अब मैंने इतना सा स्क्वायर क्यों लिया, मैं चाहता तो इसको भी पूरा का पूरा ऐसे स्लोप दे सकता था, बट होता क्या है कि अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यहां पर आने वाली है गद्दी, तो अगर ये स्क्वायर होता है तो जो हमारी गद्दी है वो अच्छे से यहाँ पर बैठ जाती है, तो इसके लिए इसको आपको ये 4 इंच इसकी हाइट रखनी है, जो 4 इंच के बाद आपको जो स्लाइड यानी कि जो स्लोप है वो देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 इंच दिया और ये स्लोप पूरा दे दिया। अब यहाँ से 6 इंच है और यहाँ से 1.5 इंच है, तो आप ही सोच लीजिए कि कितना हमको स्लोप मिलता है। अगर आपको स्लोप थोड़ा कम चाहिए तो आपको इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि यहाँ से अगर 24 आपको मिलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 24 मिलता है तो वो कंफर्टेबल होता है बैठने के लिए। अगर छोटा सा पिल्लो भी पीछे की साइड रखते हैं तो भी आदमी कंफर्टेबल बैठ पाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर 1 इंच की और गद्दी आएगी और यहाँ पर भी गद्दी आएगी, तो आपको लगभग 22-23 इंच के समथिंग यहाँ पर आपको जो सीटिंग का एरिया है वो मिल जाता है, और यही कंफर्टेबल होता है। अगर छोटा पिल्ला भी सॉरी छोटा पिल्लो भी रखते हैं तो भी यही जो साइज है वो कंफर्टेबल होती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ से 24 इंच ही हो। अगर मान लीजिए कि बड़ा पिल्लो रखना है तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हो, अगर आपको बड़ा पिल्लो रखना है तो मैं आपको कहूंगा कि इसको ना बढ़ा के सोफे की जो हमने टोटल चौड़ाई 30 इंच ली है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा के 32 इंच भी कर सकते हो, अगर आपको आपकी पार्टी जो भी है पीछे की साइड बड़ा पिल्लो रखना चाहती है तो। तो देखिए अब जैसे कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अब हमारे सामने है, तो इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर चाहिए। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि आप अगर यहाँ पर स्लोप इस तरीके से देना चाहते हो तो आप 1 इंच का स्लोप आधे इंच का स्लोप जो भी आपको जरूरत है उतना दे सकते हो, बट मैं कहूंगा कि देने की कोई जरूरत नहीं, अगर स्लोप चाहिए होता है तो वो गद्दी में भी हो जाते हैं और इसके लिए ये स्लोप देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब दोस्तों ये आप देख सकते हो कि ये जो अपना फर्मा है वो रेडी है। इस तरीके से जो फर्मा साइड का एल होता है उसका मेजरमेंट निकाला जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें और ऐड होने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले तो नीचे 3 इंच के पाए आएंगे, उसके बाद यहाँ पर 12 mm की प्लाई आएगी, उसके बाद यहाँ पर 4 इंच का फॉर्म, उसके बाद 1 इंच का फॉर्म, तो इस तरीके से कि जो सोफे की हाइट है वो 16 इंच हमको मिल जाएगी, और यहाँ पर 2 इंच का इस तरीके से फॉर्म आएगा, और इसके ऊपर 1 इंच का भी एक अगर सॉफ्ट फॉर्म देना चाहते हैं तो दे सकते हैं,
उसके बाद जो कपड़ा है वो इस तरीके से खींचा था, ये सॉरी इस तरीके से नीचे तक आएगा इस तरीके से, और यहाँ पर इस इधर से ये पीछे कपड़ा इस तरीके से खींचा जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये इसलिए समझाया ताकि आपको थोड़ा दिमाग में रहे कि कहाँ पर गद्दी किस तरीके से लगने वाली है। तो इस तरीके से हमको ये स्ट्रक्चर बनाना है।